गुड मॉर्निंग गाइस, आज है नया दिन और आज हम जाएंगे नैनीताल। वो तो कल गए थे यार, आज जाएंगे जिम कॉर्बेट पार्क। ठीक है, तो ये रूम है कल वाले से थोड़ा सा अच्छा है। बाकी देखो, नीचे इसके अंदर कारपेट बिछी हुई है और हम बच्चों की तरह रहते हैं। हमने पूरे रूम को उथल पुथल कर दिया है। बाबा ने देखो अपने मोजे ही ऊपर रख रखे। चिल बाबा चिल, है ना। और मैं ब्रश कर लेता हूँ, उसके बाद नहाते हैं, यहाँ से निकलते हैं, सरो भाई को उठाते हैं सीधा जिम कॉर्बेट पार्क। शावर हो गया और यहाँ की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हेयर ड्रायर भी है, बाल सुखाते हैं। लेट्स गो। गाड़ी का टायर पिंचर है तो इसके अंदर हवा भरानी पड़ेगी। तो मोटे तू जा हवा भरा के लेके आ। गाइस, गाड़ी का टायर पिंचर है तो ये हवा भरा के लेके आ रहा है, तब तक हम वेट करते हैं। कितने पर भाई? 40। 40 पॉइंट हवा है, 40 पॉइंट हवा भरवा ली। चलो, तो सौरभ भाई की तो हालत थकान जैसी हो गई है। कल नैनीताल वगैरह घूम के आया, उधर पहाड़ चढ़े, पैर ट्रैकिंग की, तो अपन तो गांव के लोग, अपने फर्क नहीं पड़ता। अपन तो चल रहे भी जिम कॉर्बेट, तो अभी रुक के भी क्या करते हैं, अपन तो निकलते हैं अपने जिम कॉर्बेट। ठीक है, अपन खुद ही रास्ता ढूंढते हैं और खुद ही निकल जाते हैं फिर जिम कॉर्बेट के लिए। सौरभ भाई को छोड़ देते हैं, अभी निकलते हैं। पीछे एक कड़ी चावल का थैला दिखा है, कड़ी चावल खाते हैं। टेम्पो वाले भैया सब्सक्राइबर निकल गए, मैंने लिया है राजमा चावल, इसे खा के देखते हैं। ओ दिनेश, नाला अभी तो अच्छा पानी बह रहा है, 7 दिन नहीं नहाऊंगा अभी। ये राजमा चावल अच्छा था, पानी की बोतल ले ली, अब चलते हैं। गूगल बाबा, जिम कॉर्बेट जाना है। ओ, रास्ता बता दिया, यहाँ से 50 किलोमीटर, 1 घंटे का रास्ता। मोटे वहाँ पे ले यार, वहाँ पे नजारा भी बढ़िया और वहाँ पे जूस पियेंगे। उधर ले, वहाँ पे जूस वाला है, वहाँ पे जूस पियेंगे। बाकी इधर देखो, पूरा नैनीताल के पहाड़ और जितने बड़े बड़े पहाड़ है उत्तराखंड के, वो इधर है। और यहाँ पे देखो कितनी हरियाली है, यहाँ पे मतलब गेहूँ के पेड़ है, गेहूँ के पेड़ मतलब गेहूं की फसल है। देखो हमारे वहाँ का गेहूं तो इससे बड़ा आ गया। फल फ्रूट ले लेते हैं, खाते खाते चलेंगे। मौसमी दे देना, एप्पल दे देना, अनार दे देना, दे दो। ये भी अपने सब्सक्राइबर है। ये बड़ी, ये भैया हम आ गए वाटरफॉल के लिए। गाड़ी अंदर चली जाएगी क्या? टिकट बना लो पहले, लेफ्ट में गाड़ी लगाओ, गाड़ी अंदर लगाए, हाँ लेफ्ट में लगा लो, फिर उसके बाद टिकट बना लो। ठीक है, तो गाड़ी अंदर लेते हैं, गाड़ी अंदर लगाते हैं, फिर वाटरफॉल देख के आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिम कॉर्बेट वाटरफॉल, जा टिकट लेके आ। ये जिम कॉर्बेट वाटरफॉल के लिए हम निकल गए और ये रहा वाटरफॉल, बहुत ही तगड़ा है गाइस। दिखाओ दिखाओ कैमरामैन, इधर जूम करो, फुल जूम करो। ये रहा वाटरफॉल, इसका हमें टिकट लगा है, बहुत ही तगड़ा वाटरफॉल है ये। आप देख सकते हैं कितना तगड़ा वाटरफॉल है, बहुत ही जोरदार वाटरफॉल। बस यही था, यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा। यहाँ का नज़ारा देखो जोरदार है। दुनिया के सबसे खतरनाक रोड। वाह यार, देखो पेड़ को काट के कैसे बना दिया है, सीढ़ी बना दी। कोई इज्जत नहीं है पेड़ों की, कोई इज्जत नहीं है, पेड़ क्यों काटे, ऐसे ही निकल जाते हम तो। अरे वाह, स्कूल बहुत सारे बच्चे आए हुए स्कूल के बंक में। वाह यार दिनेश, ये क्या वाटरफॉल, बहुत ही ज्यादा संकट की घड़ी है, इतना बड़ा पुल मैं कैसे पार करूंगा समझ नहीं आ रहा है। तो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, फिर कुछ जाते उधर की साइड गाइस। ये है यहाँ का वाटरफॉल। जंगल में जाना मना है, मगर देखो खुराबाती, देखो उधर ऊपर देखो, वहाँ पे बकायदा लिखा हुआ जंगल में जाना मना है, फिर भी जा रहे हो। आजा तू, आजा चल, आजा आजा आजा। तो यहाँ पे जंगल में भैया झूला खा रहे हैं। यशोदा के नंद लाला कन्हैया हमारे हैं। ये पेड़ का कुदरती झूला है, ये देखो जड़ों का, इतने भारी भारी पेड़ है और इसका झूला है। तो भाई रास्ता बहुत खतरनाक है, रास्ता ऊपर का। चलो वाटरफॉल देख लिया, अभी चलते हैं कॉर्बेट पार्क की तरफ। यहाँ पे नजारा देखो गाइस, बहुत ही शानदार है, इसीलिए थोड़ा सा ड्रोन उड़ा के यहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं।
हम पहुंच गए कॉर्बेट पार्क के पास में, आ रहे ये हमें सब्सक्राइबर मिल गए और यहाँ से गाड़ी करनी है। देखो ये रही गाड़ियाँ जिप्सियाँ, तो इनके पीछे पीछे जा रहे हैं। आगे को ऑफिस है मेन, लोग बोलते हैं कि डिकाला डिकाला वहाँ पे जाना होता है डिकाला गेट, लेकिन वहाँ तो एक महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है लगभग 45 दिन पहले। तो हम जा रहे हैं इन भाई लोगों के साथ में, वहाँ देखते हैं चलते हैं कॉर्बेट पार्क में क्रॉस करते हैं। ये भैया भी अपने सब्सक्राइबर ही निकल गए, सफारी करेंगे और ये अच्छी है। ये रे शेर देख लिया, चले चले वापस चले। ये आ गई अपनी गाड़ी, मोनिश भाई अपने साथ में चल रहे हैं। कि मोनिश भाई शेर दिखाओगे? हाँ बिल्कुल सर, पक्का दिखाना है, कोशिश करेंगे सर। कोशिश नहीं, टाइगर तो देखना ही है। फिर जिया गेट के अंदर टाइगर रिजर्व यहाँ से शुरू हो जाता है भाई, कॉर्बेट पार्क देखो। यहाँ पे अपने को पास दिखाना है और फिर चलेंगे टाइगर देखने। बाबा की निगाहें तरस रही है जानवर देखने के लिए, ये दिनेश की भी और रवि 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 पूरा प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बना हुआ है। और हम जो है हम भी वेट कर रहे हैं कि कुछ दिख जाए हमें गाड़ी के अंदर। नियम नहीं तोड़ेंगे, गाड़ी से नीचे नहीं उतरेंगे। ये देखो हैदराबाद की यार पूरा शानदार जगह है, देखो पूरा मतलब हरा हरा एकदम, मजा आ गया एकदम एकदम। प्योर ऑक्सीजन है बिना पोल्यूशन वाली, साफ हवा, बिल्कुल साफ नेचुरल हवा। और बारिश के अंदर आते ना तो और मजा आ जाता है। अच्छा ये अरे मुर्गी चिकन चिकन देखा यहाँ पे था भी चिकन था चिकन। देखो मैं आपको जूम करके हिरन दिखाता हूँ, देखना देखना जूम किया ये देखो जूम से हिरन। तो ये हमारी दूसरी गाड़ी भी आ चुकी है जंगल में। मैं आपको हाथी दिखाता हूँ, एलिफेंट बोरा, ये तेंदुआ, ये रहा तेंदुआ और ये बोरा क्या बोलते हैं इसको, बंगाल टाइगर। पीछे वाली गाड़ी में विक्रम भैया और ये आ रहे हैं, उनको पागल बना दिया, उनको बिल्ली दिखा के बोल दिया ये तो शेर है, और वो कब से खुश हो रहे हैं कि हमने शेर देखा शेर देखा, तो बिल्ली थी कैट। आगे उस पेड़ के वहाँ। अरे बेटे है थोड़ा थोड़ा पीछे लो गाड़ी। अरे ये रहा यहाँ पर है इस पेड़ के पास में बॉस, यार मैंने देखा अभी, पीछे लो भैया पीछे लो। बोरा उस पेड़ के नीचे बोरा, दिख गया बॉस दिख गया। यहाँ पर लेपट की उस तरफ चला गया यार। वो जो पहाड़ी है ना वो नाला क्रॉस करके उसके जस्ट पीछे गया है। नहीं यहीं से आ जाएगा वो, यहाँ से एंगल पीछे लो थोड़ा सा, पीछे लो मूवमेंट कर रहा है। टाइगर का यूरिन यहाँ पे टाइगर ने मूत किया है। भाई साहब क्यों करता है ऐसा? ये स्क्रैच करता है ना अपनी प्रजेंस को जंगल में छिपाने के लिए। अच्छा ऐसा है, जानवर को पता ना लगे कि वो यहाँ है। ए यहाँ पे देखो टाइगर का मूत 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 टाइगर नोट करते हैं यहाँ पे, लेब में इसके कीटाणु जाते जाएंगे। और शक्रवाणों से नया टाइगर बनाया जाए। इस मिट्टी को उठा ली जाए। ये देखो ये अभी हम पहाड़ी इलाके से आ गए ग्रासलैंड के अंदर, ये बिल्कुल वैसा ही फील आ रहा है जैसा डिस्कवरी के अंदर आता है ना। ये सब सवाना ग्रास, सवाना ग्रास है ये देखो पूरा शानदार लुक आ रहा है। इधर वो पहाड़ी आया पूरा जंगली एरिया है यार शानदार। ये देखो आपको कुछ नहीं दिख रहा था ना हिरण, देखो गाइस वहाँ पे देखो बहुत सारे हिरण हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अरे वाह यार ये मस्त चीज है, मुर्गी के लिए जंगली मुर्गे बच्चा नहीं, नॉर्मल जैसे ही लग रहा है। नहीं ना जंगली सुअर है, पकड़ लिया
ये क्रोकोडाइल बार्क ट्री है भाई, भाई ने बताया मुझे, काफी लंबा पेड़ है और हम जंगल में घूम रहे। टाइगर वाइगर तो दिख गया हमें, टाइगर मैंने आपको भी दिखाया था, जोरदार था ना? हाँ मस्त था यार, मस्त था ना टाइगर। ये सागवान के पेड़ है और यहाँ पे देखो पूरे जंगल के अंदर आग लग गई है। ये पता है हम इंसानों ने लगाई है जानबूझ के, कंट्रोल्ड फायर है ताकि, है ना, गर्मी आ रही है ना अब, हाँ ताकि गर्मी आ रही है ना अब, तो गर्मी के अंदर आग ना लगे इसलिए देखो पूरी जगह पे आग लगाई गई है। ये सारे सागवान के पेड़ है, सबसे महंगी लकड़ी। यहाँ पे देखो टाइगर के पैरों के निशान है, ये देखो अब वो कितना ऊपर उसने मार कर रखा है, ये देखो यहाँ से जमीन से देखो गाड़ी से भी ऊपर है वहाँ पे। यहाँ पे थोड़ी सर्दी है और अब हम इस गिरिया, क्या नाम है भाई इसका, गर्जिया, गर्जिया जोन से बाहर निकलने वाले हैं। यहाँ की खूबसूरती देख के जाने का मन नहीं कर रहा है, तेरा कर रहा है? तो यही रहे, तेरे को उतार देते हैं। अभी हम निकल रहे हैं गर्जिया गेट से बाहर और पीछे पता नहीं किसकी गाड़ी आ रही है, मोटा भाई और ही वो पीछे रह गए, वो बाहर है। ये देखो यहाँ पे भी आग लगा रखी है और ये हम आ गए वापस गिरिया गेट पर, जहाँ से हमने गर्जिया गेट पर जहाँ से हमने एंट्री ली थी। ये देखो पीछे कितना शानदार व्यू आ रहा है, एक नंबर। बाकी अभी ठंड बढ़ने लगी यहाँ पे, तो देखो हम बाहर आए, बाहर काफी सारे लोग हैं। भाई लोगों एक बार ऐसे चिल बाबा चिल, ये तो बाबा आपका डायलॉग फेमस हो रहा है धीरे धीरे, इन्हीं का तो है चिल बाबा चिल। तो ये काफी लोग हैं उधर, ये आ गए मोटा और मनीष, और कैसा रहा, क्या था? हमने टाइगर देखा, भूत देखा, मजा आ गया अंदर भाई, मजा आ गया, ठीक है, पेड़ पेड़ थे। अभी अपन चलते हैं तो थोड़ी फोटो वोटो लेते भाई लोगों के साथ में, यहाँ पे ले ले, सोनू चलो ठीक है भैया, अभी मेरे को थोड़ा सा लेट हो रहा है। हम ये जिम कॉर्बेट से बाहर आ गए यहाँ के मार्केट में रामनगर के, और यहाँ पे बहुत सर्दी लग रही है, देखो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बादशाह को देखो कैसे बैठा हुआ है, और वो देखो आगे जा रहे हैं मोटा भाई, और यहाँ पे अपनी फॉर्च्यूनर खड़ी है, इसके अंदर चलेंगे अभी, फिर देखते हैं होटल लेते हैं या क्या करते हैं। ये हेलो आपका, अरे अरे अरे, क्या नाम है आपका? अरे वाह आपका, अभी हम निकल गए वहाँ से, निकल गए यहाँ पे, एक अच्छी होटल दिख रही है, इसमें रुकते हैं या फिर यहाँ रोको, साइड में रोको ना, क्योंकि हम होटल लेंगे और होटल लेके रुकेंगे अभी और फिर कल निकलेंगे हरिद्वार के लिए। तो आज रात रुकने के लिए यहाँ पे रूम लिया है, ये कमरा है कुछ ऐसा, काफी अच्छा है, नॉर्मल सा है, कोई ना ज्यादा हाई फाई है और कोई बहुत वैसा भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल अपने लेवल का है। तो अभी देखते हैं कुछ खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, अभी जो वक्त हो रहा है वो हो रहा है 8:30 बज रहे होंगे। ये दो रूम लिए, तीन रूम लिए एक्चुअली, एक ये रहा, एक उधर रहा और एक और है, तीन रूम, और वो भी पता है कितने रुपए में, 4500 रुपए में, है ना सही? भाई ढूंढो तो भगवान मिल जाते हैं, हमने किसी को भी नहीं बताया था कि हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं और यहाँ पे ऐसी चीज है, लेकिन अपने जो सब्सक्राइबर्स लोग हैं उन्होंने न जाने कैसे ढूंढ लिया, कैसे उनको पता पड़ गया। अभी देखो अभी रात हो रही है और नीचे देखो काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं, देखो इतने सारे लोग हैं, अभी नीचे जाते हैं उन सभी से मिलते हैं। अब देखो यार कोई इतनी दूर से आता है ना तो उनसे मिलना भी जरूरी है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई अगर इतनी दूर से आए और निराश होकर जाए। अच्छा बाबा तो नंगे पैर ही चल रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, अरे हम तो सौरभ जोशी से मिलने के चक्कर में थे। अच्छा 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 अच्छा, और भी अच्छा हो गया आपसे, आपका आप यहीं से हैं? हाँ। हेलो भैया, हेलो, बढ़िया भैया, आप सुनाओ, बड़ा अच्छा लगा यार। अरे नहीं मुझे पता नहीं था ना, इधर आ जाते अपन लोग। तो भैया के भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक बार फिर से चैनल बाबा जिंदाबाद। वेलकम, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। भाई आज तो बहुत ज्यादा थक गया यार, आज इतना ज्यादा थक गया हूँ ना, बस पूछो मत, बस मुझे नींद आ रही है। तो आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, गुड नाइट गाइस। सुबह देखते हैं कि सुबह क्या करना है, सुबह कहाँ जाना है। मेरा प्लान तो देहरादून या हरिद्वार या ऋषिकेश के आसपास का है, देखते हैं कि वहाँ जाना होता है या फिर नहीं। बाकी अभी के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।
उत्तराखंड के सभी सब्सक्राइबर्स को दिल से लव यू एंड बाकी सभी को भी लव यू। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।